मोर नियरली विद दैट ऑफ द इंडिकेटर, ताकि तुम्हारा जो पोटेंशियल है, तुम्हारा इंडिकेटर का जो पोटेंशियल है वो आयरन सिस्टम के कॉन्साइड कर जाए, ठीक है, इसलिए तुम फॉस्फोरिक एसिड यूज कर रहे हो। नाउ द प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज नेसेसरी। यदि तुम कम ले लोगे फॉस्फोरिक एसिड तो तुम्हारा जो चीज है वो सोल्व नहीं होगा, राइट। उसके लिए क्या है, तुम्हें एक मिनिमम अमाउंट या थ्रेशोल्ड लिमिट जो है डालनी पड़ेगी सल्फरिक इसकी फॉस्फोरिक एसिड की, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कंसेंट्रेशन ऑफ आयरन एफेरिक आयन, राइट। Fe3 टू Fe2 सिस्टम है ना, तो Fe3 को 2 में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें फॉस्फोरिक एसिड डालना है, राइट। दैट विल, मैं लिख देती हूँ, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कंसेंट्रेशन ऑफ फेरिक आयन बाय फॉर्मिंग ए कलरलेस सोल्यूबल स्टेबल कॉम्प्लेक्स, राइट। फेरिक आयन के साथ में वो एक सोल्यूबल स्टेबल कलरलेस कॉम्प्लेक्स बना देता है, दैट इज, मैं यहाँ लिख रही हूँ, दैट इज FeHPO4 प्लस, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स जो है तुम्हारा Fe3 के साथ में जो है बन जाता है फॉस्फोरिक एसिड का, राइट। अदरवाइज योर फेरिक आयन यदि तुम्हारे सॉल्यूशन में रहेंगे, राइट, इफ फेरिक आयन आर प्रेजेंट इन योर सॉल्यूशन, इट्स टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज द इंडिकेटर, राइट। ये क्या करेगा, फेरिक आयन क्या करेगा, इट विल ट्राई टू ऑक्सीडाइज योर इंडिकेटर एंड प्रिवेंट ए शार्प एंड पॉइंट। क्लियर हुआ, फेरिक आयन क्या करेगा, तुम्हारे इंडिकेटर के साथ में रिएक्शन करके उसको ऑक्सीडाइज करने का कोशिश करेगा, ताकि तुम्हारा शार्प एंड पॉइंट नहीं आ पाए। क्लियर है बेटा, इज इट क्लियर? यस मैम, ठीक यस है, मैम, सो तुम्हारा जो रिएक्शन इसमें, तुम्हारा जितने भी रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, मैं आयनिक रिएक्शन लिख रही हूँ पहले, मामा जल्दी इसका फोन दे दो, प्रोफेसर क्लास चला जरूर, उनको डरा फोन चला इंडक्शन हाफ रिएक्शन। Cr2O7 टू नेगेटिव प्लस 16H+ आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, देर इज चेंज ऑफ द 6 इलेक्ट्रॉन बिकॉज क्रोमियम इन ए +3 एंड दैट इज कन्वर्टिंग इन टू क्रोमियम +6 टू +3 सिस्टम। एंड दिस इज अ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इज Fe2+ is converting into Fe3+, right? And your overall reaction you can write down. Cr2O7 2 negative plus 14H+ plus 16 Fe2+ to Cr3+ plus 6 Fe3+ plus 7H2O, ठीक है, इसको हमने किससे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज योर आयनिक इक्वेशन, ठीक है। मेन इक्वेशन यदि हम देखें, इसकी मॉलिक्यूलर इक्वेशन ये देखना चाहें तो K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 इज गिविंग K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस। ये रिएक्शन सी याद कर लेना बेटा, ये तुम्हारे थर्ड ईयर तक काम आएगी।
दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन इज योर एफ पी एस ओ फोर अमोनियम सल्फेट 6H2O. दिस इज द टू प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर सल्फ्यूरिक एसिड सॉरी इज गिविंग Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस टू अमोनियम सल्फेट प्लस 13H2O. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय थ्री. नेट इक्वेशन इज K2Cr2O7 प्लस 7H2SO4 प्लस 6FeSO4 NH3 ट्वाइस SO4 6H2O गिविंग K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस 43 वाटर प्लस 3 Fe2SO4 थ्राइस प्लस 6 NH4 ट्वाइस SO4. ठीक है बेटा. ये फुल इक्वेशन तुम्हारी हो गई है. बेटा लिख ली इक्वेशंस? नो मैम. अरे यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, मैंने शायद 3 लिख दिया है ना. Shall I go to next page? बेटा मैं नेक्स्ट पेज पर जा रही हूँ.
नाउ आई एम टेलिंग अबाउट द डाइफिनाइल अमीन रिएक्शन. वॉट इज हैपनिंग इन दिस टाइट्रेशन, राइट? सो एक्शन ऑफ डाइफिनाइल अमीन, एक्चुअली इट डिपेंड ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ द डाइफिनाइल अमीन वन जो हमने किया था. फर्स्ट इट इज कन्वर्टिंग इन टू कलरलेस डाइफिनाइल बेंजाइडीन विच इज रियल इंडिकेटर एंड रिवर्सिबली कन्वर्ट इन टू फर्दर ऑक्सीडाइज टू डाइफिनाइल बेंजाइडीन वॉयलेट, राइट? सो डाइफिनाइल बेंजाइडीन वॉयलेट अंडर गो फर्दर ऑक्सीडेशन इफ यू आर कीपिंग विद सम टाइम विद द डाइक्रोमेट सोल्यूशन इन टू इरिवर्सिबल स्टेट, दैट इज द रेड एंड येल्लो कलर प्रोडक्ट, राइट? सो हमारा जो डाइफिनाइल अमीन था जो मैंने तुम्हें बताया था, ये तुम्हारा कोई डाइफिनाइल अमीन है, राइट? सो हमने क्या किया था, फर्स्ट दैट इज कन्वर्टिंग इट टू डाइफिनाइल बेंजाइडीन This is converting into the third state, that is also diphenyl benzidine violet. इसमें क्या हो रहा था तुम्हारा? क्विनोनॉइड फॉर्म बन जाती है. ये कैसे बन रही है वो बताती हूँ, इसको उतारो पहले. यू आर टेकिंग द टू मोल्स ऑफ द डाइफेनाइल अमीन, वन टू थ्री. व्हाट इज हैपनिंग? Where proton will remove from here. So this is releasing two H plus ion and two electrons. Is it clear? बेटा कैसे बन रही है ये तुम्हारी form? Clear हुआ मैंने arrows कैसे लगाए हैं? No ma'am. अच्छा मैं वापस से repeat करती हूँ, erase कर देती हूँ पहले वाला structure. बना लिया तुम लोगों ने? ये तुम्हारा डाइफिनाइल अमीन है, राइट? व्हाट आई एम डूइंग, योर प्रोटॉन विल रिमूव.
बॉन्ड को मूव कर रही हूँ बस, मैं और कुछ नहीं कर रही हूँ। अब दिख रहा है? अब क्लियर हो रहा है? आई एम यस मैम, यस टेकिंग केयर मैम, दैट एन एच बॉन्ड दैट इलेक्ट्रॉन आई एम मूविंग टू द वन साइड, देन फ्रॉम द बेंजीन रिंग दैट बॉन्ड इज मूविंग बाय द एरो आई एम शोइंग दैट वन, राइट? और योर टू ऑफ द प्रोटोन विल लीव फ्रॉम द सिस्टम, राइट? योर टू एच प्लस आयन एंड टू इलेक्ट्रॉन विल रिमूव फ्रॉम दिस सिस्टम, तो दैट इज कन्वर्टिंग इन टू द ऑक्सीडाइज स्टेट, ठीक है? रिड्यूस से तुम्हारा ऑक्सीडाइज स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? सो लाइक प्रीवियस वन इन टूडेज एक्सपेरिमेंट ऑल्सो यूर थ्री स्टेप्स आर देयर, ठीक है? थ्योरी या तो तुम्हें जो है यदि नहीं लिखी है तुमने तो तुम्हें प्रीति मैम भेज भी देगी। प्रीति लिख रखी है ना थ्योरी तुमने, हाँ जी मैम, थ्योरी है, है ना? पीडीएफ में हाँ है। हाँ पीडीएफ में है ना, बस तो ठीक है, इनको भेज देंगे। तो उसमें से तुम थ्योरी लिख देना, यदि तुम्हें नहीं समझ में आती है तो फिर पूछ लेना, ठीक है? तो थ्योरी लिख देना, इक्वेशंस लिख देना तुम्हारी, और ये जो डाइफेनिलमीन की है ये वाली रिएक्शन भी लिख देना। रिएक्शंस तुम्हारी तुम्हारी वाइट पेज पे लिख लेना, ठीक है? तो जो है इसके अंदर जो तुम्हारे हैं सिमिलर में ही, जैसे हमारे हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट किए था, देर आया था थ्री स्टेप्स आर देयर, राइट? तो स्टेप नंबर वन क्या होगा तुम्हारा, यू हैव टू प्रिपेयर योर स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज द मोर सॉल्ट सोल्यूशन एंड बाय 40 नॉर्मेलिटी का। स्टेप वन तुम्हारा क्या रहेगा इसमें? प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ एन बाय 40 नॉर्मेलिटी। योर स्टेप टू इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गिवन पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ मोहर सॉल्ट्स दैट प्रिपेयर्ड इन द फर्स्ट स्टेप। स्टेप थ्री दैट इज द टाइट्रेशन ऑफ गिवन, पहले क्या था स्टैंडर्ड था, अब है तुम्हारा गिवन मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन विद स्टैंडर्डाइज पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन टू फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ गिवन मोहर सॉल्ट, ठीक है? तुम्हें सिमिलर वे में थ्री स्टेप्स करने हैं जैसे तुमने प्रीवियसली किए थे, राइट? मैम
मैं पीछे वाले पहले वाला एक्सपेरिमेंट कैसे करूं? वो मैं तुम्हें वीडियो दे दूंगी बेटा। ओके मैम आपने अब मैम। तक ना रिकॉर्डिंग्स नहीं भेजी, लेकिन आपने सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स कर रखी हैं, तो आज आप ग्रुप में डाल देना सारे रिकॉर्डिंग्स। मैंने लास्ट प्रैक्टिकल क्लास की नहीं की थी क्योंकि वो प्रीति मैम ने लिया था, है ना, लेकिन फर्स्ट वाले की मैंने की हुई है। फर्स्ट की जैसे ही सेकेंड है तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? कोई दिक्कत आता है तो हम बता देंगे तुम्हें, ठीक है? मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ बेटा। स्टेप नंबर जो 1 है तुम्हारा, वो कैसे करेंगे हम? यू हैव टू प्रिपेयर द योर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ मोर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट फर्स्ट, व्हाट यू हैव टू डू, टेक द मास ऑफ वेइंग बॉटल विद योर सॉल्ट दैट वी हैव प्रोवाइडेड इन योर पैकेट्स। तो पूरा का पूरा पैकेट उसमें डाल देना। यू कैन इमेजिन दैट इज कमिंग अराउंड 10.5633 ग्राम। मान लीजिए हम ऐसा मान लेते हैं, राइट? सो मास ऑफ वेइंग बॉटल आफ्टर ट्रांसफर ऑफ मोहर सॉल्ट दैट यू कैन से, जब तुमने ट्रांसफर कर दिया है बॉटल इससे सारा सॉल्ट, तुम्हारी जो बोतल बच गई है उसका वेट जो है इतना है, ठीक है? एंड मास ऑफ सॉल्ट ट्रांसफर्ड मोहर सॉल्ट यू कैन से दैट शुड कम अराउंड 2.4509 ग्राम। ये कैसे आया 2 पॉइंट, हमने क्यों दिया है तुम्हें पैकेट, उसके लिए मैं एक बार बताती हूँ तुम्हें। स्टेप 1 में लिख देना कि तुम वेट कैसे निकाला है तुमने। वेट ऑफ मोहर सॉल्ट फॉर N/40 सॉल्यूशन कैसे निकाला था ये? वेट इज इक्वल टू NeV डिवाइड बाय 1000, 1/40 इंटू 392 मॉलिकुलर मास ऑफ द मोर सॉल्ट यू हैव टू प्रिपेयर इन 250 ml, सो यू आर गेटिंग 2.45 ग्राम इन 250 ml। NeV मैंने कैसे लिखा है? नॉर्मलिटी निकालने के लिए तुम अपने +2 क्लास में यू आर टेकिंग N इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्ट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास इंटू योर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट, ठीक है? ऐसे बनाते थे ना बेटा, उसी को मैंने इस वे में लिख रखा है, ठीक है? नॉर्मेलिटी के लिए हम मोलर मास की जगह लेते हैं इक्विवेलेंट मास। ओके, ठीक है? नाउ हमारा पास जो वेट आया है, हमें इतना बोला गया था निकालने के लिए, और हमारा जो ट्रांसफर करके जो वेट आया है वो इतना आया, हमें पैकेट जो दिया गया था वो इतने ग्राम का दिया गया था, राइट? सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ मोहर सॉल्ट इन 250 ml सॉल्यूशन। हमें हमेशा जो हमारा निकल के आया ना उसी से निकालना है। ये तो थियोरेटिकल था जो तुम लाइनिंग वाले पेज पे स्टेप 1 के नीचे लिख सकते हो, राइट? सो ये जो हमें व्हाइट पेज पे इसके इसके साथ में लिखना है वो ये लिखना है, ठीक है? इसके बाद ये आएगा। अभी आ रही हूँ मैं थोड़ी देर में। मास ऑफ मोर सॉल्ट, मास ऑफ मोर सॉल्ट इन 250 ml सॉल्यूशन इज कमिंग दैट इज 2.4509 ग्राम। सो मास ऑफ मोहर सॉल्ट इन 1000 ml
सॉल्यूशन दैट इज कमिंग 2.4509 इंटू 1000 डिवाइड बाई 250, तो कितना आ जाएगा, दैट इज कमिंग 9.8036 ग्राम. नाउ स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड मोर सॉल्ट, देखो वही उसी कमरे में चले जाओ बेटा. बोलो ऊपर से लो, ऊपर से लो. 10 मिनट बेटा लाओ मुझे, तो जल्दी दो. चलो जाओ उस कमरे में. So you can calculate the normality of standard Mohr salt. That is the normality. That is coming strength divided by equivalent mass. That is 9.8036 divided by 392 normal. ठीक है, इतना तुम्हारा आ जाएगा. ठीक है, तो हमने क्या किया है, जब हम प्रोसीजर में तुम्हें बताएंगे तो क्या है, हमने You have weigh the pure Mohr salt, right? First तुमने क्या किया, weigh out the, कितना है हमारे पास 2.4509 ग्राम और Mohr salt you have to weigh out, right? Then you have to transfer it into the clean volumetric flask. Volumetric flask सभी को पता है, right? Through a funnel. Funnel की help से हमें उसके अंदर डालना है. Then through the wall of the funnel we have to add water to the वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, राइट? तुम्हें फनल के चारों तरफ से पानी डालना है ताकि तुम्हारा सारा का सारा सॉल्ट दैट विल गो इनसाइड द योर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में चला जाएगा, राइट? कोई भी सॉल्ट तुम्हारा फनल के अंदर नहीं रहना है. ठीक है, जब तुम्हारा सारा सॉल्ट नीचे ट्रांसफर हो जाए देन यू हैव टू एड योर 10 ml ऑफ डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, 2 normal जो सल्फ्यूरिक एसिड है जैसे तुमने प्रीवियसली बनाया था उसी वे में यहाँ पे भी सल्फ्यूरिक एसिड डालना है 10 ml, और तुम्हारा पूरे का पूरा जो साल्ट है वो ट्रांसफर कर देना है. कितना, 1 test tube डाला था, यहाँ पे भी एड 1 test tube ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, राइट? एंड देन यू हैव टू एड द डिस्टिल वाटर टू दैट सॉल्यूशन, राइट? तुम्हें डिस्टिल वाटर डालना है उसमें स्टैंडर्ड फ्लास्क में. फर्स्ट यू हैव टू डिजोल्व ऑल द सॉल्ट. तुम्हारा जब आधा भर जाए तुम्हारा स्टैंडर्ड फ्लास्क जो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, जब तुम्हारा आधा भर जाए तो पूरे के पूरे सॉल्ट को डिजोल्व कर लेना है, राइट? Then you have to make the volume up to the mark. ठीक है, फिर जो उसके ऊपर मार्क दिया रहता है उस मार्क के थ्रू पूरा भर उसके अंदर डाल देना है. तुम्हें क्या करना है, मैं एक बार बना के दिखा रही हूँ. ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फ्लास्क है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है. यहाँ पे तुमने फनल लगा दिया है. ठीक है बेटा, अब नाउ यू हैव एडेड द सॉल्ट इन दिस. तुमने सॉल्ट डाल दिया. नाउ यू हैव टू Add the water toward the all side of the wall of the funnel. चारों तरफ से तुम्हें वॉश बॉटल जो है उसकी मदद से तुम्हें इसके अंदर पानी डालना है. Your salt will come inside this one. Then remove the funnel. तुम्हें funnel हटा देना है, right? Then you have to add a test tube of sulfuric acid, 2 normal. राइट, सो जब तुम्हारा हाफ फिल हो जाएगा ये, देन यू हैव टू डिजोल्व ऑल द सॉल्ट इन दिस. तुम्हें सारे का सारा सॉल्ट जो है डिजोल्व कर देना है. यू हैव टू डिजोल्व ऑल द सॉल्ट, देन हियर वन मार्क इज देयर. देन यू हैव टू एड विद द वॉश वाटर, यू हैव टू एड मोर डिस्टिल वाटर, और तुम्हें अप टू द मार्क यहाँ पे कर देना है. ठीक है, ये मार्क है तुम्हारा लोअर मेनिस्कस, तुम्हें देखना होता है. So up to the mark you have to make that solution. Mid 250 ma'am. हाँ जी बेटा बोलो. मैम मैं ये कह रही थी कि कल भी जो हमने डिस्कस किया था प्रैक्टिकल उसमें भी और जो लास्ट प्रैक्टिकल्स में भी देखा था उसमें यूजुअली 10 ml एसिड ऐड होता है जब हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना रहे होते हैं. तो एक टेस्ट ट्यूब, हाँ, that is depending on the 100 ml of solution. If okay, because
बिकॉज हमारी जो कल उस टॉपिक पे बात हुई थी उसमें भी हाफ टेस्ट ट्यूब का एडिशन था, तो वो अगर 20 ml करना है तो वो कंप्लीट टेस्ट ट्यूब उसमें प्रोसीजर में चेंज करना पड़ेगा जो बच्चे को हाँ प्रोवाइड कोई किया बात मैं, नहीं। इसलिए हाँ ठीक यदि है। हमारे पास 2 normal और बेटा 250 का बना रहे हो, यदि तुम हाफ से लेके फुल टेस्ट ट्यूब तक डाल देते हो तो चलता है, हाफ टेस्ट ट्यूब भी चलेगा। ठीक है, तो यदि प्रोसीजर में लिख रखा है हाफ टेस्ट ट्यूब तो इनफ है, हाँ मतलब टेन जी एम एल के अराउंड होना चाहिए, 10 ml से ऊपर होना चाहिए वो। ठीक है ना, 10 से 20 के बीच में है, इतना टेस्ट ट्यूब तुम्हें डालना है। ठीक है, अब नाउ यू हैव टू मेक द सोल्यूशन अप टू द मार्क। अब नाउ आई एम मूविंग टू द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा ये सॉल्यूशन बनके जो है पूरा तैयार हो गया है, यू हैव मेड द होमोजीनियस सॉल्यूशन। नाउ स्टेप टू दैट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट यूजिंग द स्टैंडर्ड योर मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन। राइट, स्टेप सेकेंड इज ऑफ गिवन पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन यूजिंग स्टैंडर्ड मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन। राइट, सो यहाँ पे तुम्हें जो व्हाइट पेज पे पहले इक्वेशंस लिख लेनी है सारी की सारी। ठीक है, सेकेंडली इक्वेशन से मैंने सारी लिखवा देनी है, लिखवा दी है। देन व्हाट इज द इंडिकेटर, इंडिकेटर यू हैव टू यूज दैट इज द 1% डाइफिनाइल अमीन इन कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस यू हैव टू ऐड 3 ml ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तुम्हें जब इंडिकेटर डाल दोगे तो उसी टाइम पे ही फॉस्फोरिक एसिड डाल देना है तुम्हारे मोर सॉल्ट में। राइट, अदरवाइज तुम भूल जाते हो कई बार। नाउ एट द एंड पॉइंट व्हाट इज हैपनिंग, यू आर सीइंग देयर इज अ चेंज ऑफ द कलर फ्रॉम द ग्रीन टू पर्पल। पर्पल बोल सकते हो, नहीं तो ब्लूइश कलर बोल सकते हो, नहीं तो ब्लू वॉयलेट भी बोल सकते हो। तुम्हें इस टाइप के कलर जो है दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा दिक्कत आती है कई बार बच्चों को, कलर का पता नहीं चलता, इसलिए मैंने तीनों चारों कलर लिख दिए। ठीक है, सो यू हैव टू स्टैंडर्डाइज योर गिवन पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज डन बाय टाइट्रेटिंग इट विद द मोहर सॉल्ट। राइट, तो तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू फिल योर ब्यूरेट विद द पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से तुम्हें फिल करनी है। यू हैव टू पिपेट आउट 20 ml ऑफ मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन तुम्हें पिपेट आउट करना है। राइट, इन द कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क कितने ml की है, 250 ml की कॉनिकल फ्लास्क तुम्हें दी जा रही है। यू हैव टू ऐड ए हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ 2 normal सल्फ्यूरिक एसिड तुम्हें डालना है इसके अंदर। देन यू हैव टू ऐड 2 to 3 ml ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, मोर सोल्ट के साथ क्या क्या चीज़ डालनी हो बता रही हूँ। ठीक है, तुम्हें ये डालना है फॉस्फोरिक एसिड डालना है 3 ml के अराउंड, 2 to 3 drops ऑफ डाइफिनाइल अमीन इंडिकेटर डालना है। देन यू हैव टू टाइट्रेट दिस सॉल्यूशन विद योर पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन टिल द सोल्यूशन इन द कॉनिकल फ्लास्क टर्न टू ब्लू। जब तक ब्लू वॉयलेट और ब्लू कलर नहीं आ जाता तब तक तुम्हें टाइट्रेशन करना है। सोल्यूशन इन द कॉनिकल फ्लास्क टर्न ब्लू विद ए सिंगल ड्रॉप ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एक्सेस। एक ड्रॉप एक्स्ट्रा होते ही तुम्हें ब्लू वॉयलेट कलर दिख जाएगा। रिपीट करना है टाइट्रेशन टू ऑब्टेन द 3 concordant रीडिंग्स। सिमिलर वे यू हैव टू गो फॉर द थर्ड स्टेप। तुम्हें ये सारी चीजें वापिस से लिखनी है। राइट, अगेन यू हैव टू फिल द ब्यूरेट विद द पोटेशियम डाइक्रोमेट, पिपेट आउट द 20 ml ऑफ मोर सॉल्ट। कौन सा मोर सॉल्ट है, दिस इज द गिवन मोर सॉल्ट। ये कौन सा था, स्टैंडर्ड मोर सॉल्ट जो तुमने बनाया है। ठीक है, तो स्टेप 2 और 3 जो है सिमिलर ही रहते हैं, बस इसमें हमारा स्टैंडर्ड रहता है और जो थर्ड स्टेप है उसमें गिवन मोर सॉल्ट सॉल्यूशन रहता है।
सिमिलर वे में तुम्हें 20 ml पिपेट आउट करना है, 2 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है, 2 to 3 ml फॉस्फोरिक एसिड डालना है, 2 to 3 drops ऑफ डाइफिनाइल इंडिकेटर डालना है और रीडिंग्स नोट डाउन कर लेनी है। क्लियर है बेटा यहाँ का? यस मैम। ठीक है ठीक है, फिर तुम्हें क्या करना है, इसी के अंदर थर्ड स्टेप तक क्या आया था हमारे पास, हमने इंडिकेटर लिख दिया, फर्स्ट में इक्वेशन लिख दिया, फिर तुम्हारा जो था इंडिकेटर यूज लिख दिया, थर्ड में हमने एंड पॉइंट बता दिया, फोर्थ पॉइंट जो तुम्हारा रहेगा ऑब्जर्वेशन टेबल रहता है ना। कैसे बनाया था हमने ऑब्जर्वेशन टेबल, इसमें में बनाते हैं हम ऑब्जर्वेशन टेबल, दैट इज योर सीरियल नंबर, योर ब्यूरेट रीडिंग्स, योर इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग, योर फाइनल ब्यूरेट रीडिंग, योर वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज इन ml, तुम्हें 3 कंकॉर्डेंट रीडिंग आना चाहिए, 0.0 हमेशा हम डेसिमल पॉइंट जरूर लगाएंगे, मान लीजिए तुम्हारी 20.1 पे आ जाती है तो यहाँ पे लिख देंगे 20.1 ml, ऊपर लिख दिया तो ठीक है, नहीं लिखा है तो यहाँ लिख दो। ठीक है, अगेन यू आर, इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 20.1 और तुम्हारा 0 वापस बना लिया तो 0 लिख दो। ठीक है, तो 20 पॉइंट यदि 2 आ जाएगा तो अगेन यू हैव टू टेक द 3 रीडिंग्स, राइट। यदि तुम्हारा 1 आ गया तो इन ठीक है 20.1 आ जाएगा, यदि तुम्हारा वापस से 20.1 आ गया तो ठीक है 20.1 लिख दो, यदि कहीं पे भी चेंज आता है तो यू हैव टू अगेन टेक द रीडिंग। ठीक है, तो कंकॉर्डेंट वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज फॉर द टाइटेशन विद स्टैंडर्ड मोहर सॉल्ट, ये किसके साथ ही, स्टैंडर्ड मोहर सॉल्ट के साथ ही, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं वी के, हमने मान लिया, ठीक है, दैट इज कमिंग 20.1 ml। वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड मोहर सॉल्ट हमने कितना लिया था, इसको हम बोल देते हैं एम एस, 20 ml। ठीक है, अब नॉर्मलिटी ऑफ स्टैंडर्ड मोहर सॉल्ट कितनी है, ये तुम्हें मिलेगी शायद, है ना, कहाँ से मिली है, जो तुमने पहले जो मैंने कैलकुलेशन कराई थी वहां से मिल गई है, मान लीजिए एक्स आ गई थी तुम्हारी जितनी भी आई थी, है ना। अब फिफ्थ जो पॉइंट तुम्हारे पास आ जाएगा दैट इज द कैलकुलेशन। ठीक है, तो एन के वी के इज इक्वल टू एन स्टैंडर्ड मोहर सोल्ट है वी एम एस, तो ये मोहर सोल्ट का हो गया, ये तुम्हारा पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए स्टैंडर्ड। ठीक है, तो तुम्हारी जो रीडिंग आ जाएगी एन के इज इक्वल टू, कि तुम्हारा पीछे से आया था 9.8036, इसको कैलकुलेट कर लेना तुम लोग। ठीक है, जो नॉर्मलिटी थी जो एक्स जो मैं बता रही हूँ दिस इज द एक्स, ठीक है, इंटू 20.1 जो हमारा ऊपर से आया इंटू 20, हमने 20 ml मोहर सॉल्ट लिया है, तो ये तुम्हारा जो है एन के की वैल्यू तुम्हारी मान लीजिए हमारे पास आ गई वाई। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं जाओ। ठीक है बेटा, वाई आ गई अब हमारे, अब नाउ द स्टेप 3 मैं लिख रही हूँ, यहाँ तक हो गया बेटा? यस मैम। स्टेप 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज द टाइट्रेशन ऑफ गिवन मोहर सॉल्ट वर्सेस स्टैंडर्ड K2Cr2O7। तो तुम्हें 1, 2, 3, 4, 5 वही स्टेप फॉलो करने हैं, इक्वेशन, इंडिकेटर, एंड पॉइंट, योर कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन टेबल एंड कैलकुलेशन, है ना, वही सारे पॉइंट फॉलो करने हैं तुम्हें। तो मैं डायरेक्टली अब ऑब्जर्वेशन टेबल तुम्हें बता रही हूँ।
सिमिलर वे में तुम अपना ये बनाओगे, टेबल बनाओगे। इसके अंदर हम मान लीजिए इसके अंदर भी हमारा 20.1 ही यूज हो रहा है, ठीक है, उसी वे में बना लेना। तो कंकॉर्डेंट वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कितना आ गया, वी के डैश से हम इसको बता देते हैं, दैट इज कमिंग अराउंड 20.1 ml आ गया हमारा, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी हमारी कितनी आ जाएगी पोटेशियम डाइक्रोमेट की, ये जो तुम्हारी एन के डैश जो है ये तुम्हारा प्रीवियस वाला ही रहता है जो हमारे वाई जो आया है पहले, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गिवन मोहर सॉल्ट दैट इज वी एम एस डैश, ये तुमने कितना लिया 20 ml लिया है, ठीक है। नॉर्मेलिटी ऑफ गिवन मोहर सॉल्ट एन एम एस, ये तुम्हें निकालना है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन सिमिलर वे में करेंगे, एन के वी के डैश एन एम एस डैश वी एम एस डैश, तो तुम्हारा जो है नॉर्मेलिटी जो मोर सोल्ट का है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये पूरी कैलकुलेशन से तुम निकाल लोगे, निकाल लोगे बेटा, जितना भी नॉर्मेलिटी तुम्हारा आप चाहता है। फिर देन यू हैव टू टेल अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन मोर सोल्ट एन एम एस डैश इनटू इक्विवेलेंट वेट, राइट। तो इसमें जो तुम्हारा मान लीजिए जेड आ जाता है, जो भी है जेड इंटू 392, ठीक है। तो तुम्हारा जितना भी आ जाएगा ग्राम पर लीटर में आ जाएगा। बेटा क्लियर है यहाँ तक सभी को, कोई डाउट है, एनी डाउट? मैम हाँ बेटा बोलो। मैम, मेरे को स्टार्टिंग ही फिर प्रैक्टिकल से करनी है ना, प्रैक्टिकल 5 में आज से ये शुरू कर दूं ना मैम? हाँ पहले ये वाला लिख लो, जब वो समझ में आएगा तभी लिखना वो वाला, अभी यही वाला लिखो, आज वाला लिखना है आज, ठीक है। जब वो और बच्चे आ जाएंगे ना तब एक डेमो दे देंगे उनको, तो उन बच्चों को भी समझ में आ जाएगा, नए वाले जितने बच्चे हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछो पहले, तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी मैम।